खबर उत्तर प्रदेश औरैया से। 8 नवंबर औरैया जिले के एक अस्पताल में युवक द्वारा अपनी बहन के शव को मोटरसाइकिल से घर ले जाने का हृदय विदारक वीडियो सामने आने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज संभालने वाले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर बुधवार को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक समेत दो चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक बिदुना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य CHC के बाहर अपनी बहन का शव एक दुपट्टे के जरिए पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल से ले जाता दिख रहा है। इस मामले की जांच के बाद स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक रूप में कार्यरत चिकित्सक अमिचल पांडे और यहां तैनात एक अन्य चिकित्सक कृपाराम के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। ये कार्रवाई प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर की गई। उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक्सप्रेस पोस्ट करके कहा कि उन्होंने जनपद औरैया के बिदना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव को पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल से ले जाने से संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। पाठक ने कहा कि उन्होंने केंद्र अधीक्षक और उक्त प्रकरण से संबंधित चिकित्सकों को भविष्य के लिए एक एक प्रतिकूल प्रविष्टि देकर तत्काल वहां से हटाए जाने का आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी औरैया को दिया है। मंगलवार को जिले की नवीन बस्ती में रहने वाली 20 वर्षीय अंजलि नहाने के लिए पानी गर्म करने कमरे में गई थी। पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में इलेक्ट्रॉनिक रॉड डाली गई थी, लेकिन इसी दौरान अंजलि बिजली के करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे बिदुना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।